आज मरते मरते बचने वाला आदमी। अरे भाई welcome back guys in the new video, actually in the new year. So आज नया साल, नए नए जैसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन ठीक है, नया साल है तो हम भी थोड़े से फ्रेश फ्रेश होके आपसे मिलने के लिए हाजिर है। मज़ा आ रहा है। कल रात, पूरी रात हमने स्क्रिप्ट मूवीज देखी है। अभी बज रहे हैं 11, कॉलेज के लिए तो जाना पड़ेगा, उठे ही 10 बजे, लेकिन कॉलेज इज इम्पोर्टेंट, सो वी नीड टू गो कॉलेज। आफ्टर कॉलेज वी विल। यार सबसे बुरी बात है कि मेरा जो है ना, ये डेल्टा मसल होता है वो डैमेज हो गया है लगभग पिछले 5-6 दिन से, अभी तक रिकवरी ही चल रही है उसकी। और आज तो जिम सुबह थी और मैं सोया था, जिम नहीं जा पाया। जिम शाम को बंद है 1 जनवरी की वजह से। कल संडे, कल भी बंद, डायरेक्ट जिम को मंडे को ही हम हाजिरी लगाएंगे, तो वो बहुत ही एक कंसेप्ट में तो मेरे को अच्छा नहीं लगा ऐसा। कल भी नहीं जा पाया क्योंकि कल भी सुबह ही जिम थी 31 की वजह से, शाम को बंद थी। और एज यूजुअल सुबह मेरा प्रैक्टिकल होता है तो जिम नहीं जा पाया, तो यही सब रीजंस जो मेरा मूड खराब कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, नया साल है, नई उम्मीदें, नए सपने वही, लेकिन सपने को पूरे करने के लिए नया जुनून, सब कुछ नया। अब पहले कॉलेज जाते हैं, मिलते हैं आपको डायरेक्ट कॉलेज के बाद। कॉलेज की कोई बहुत ही मतलब, देखते हैं कॉलेज में क्या होता है, बहुत ही क्या, कॉलेज के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे ब्लॉग। यार मॉडल बराबर फोटो तेजस, इतना क्लास दिखते है ना तू। हाँ मॉडल बराबर फोटो। सुंदर असा फोटो या ठिकाणी, फोटो पण काढून घेतले मी, बापन पोराचा फोटो। हे व्लॉगर आज मरते मरते बचने वाला आदमी। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जयेश घर से नासिक को आ रहा था, जो जिस गाड़ी में वो आ रहा था उसको एक ट्रक ने हल्का सा धक्का दिया, लेकिन हल्का सा धक्का भी कुछ बार भारी पड़ जाता है। नसीब उसका कि उसका मतलब हम सब का कि उसे कुछ नहीं हुआ, आ गया हूँ नासिक तक। अभी हम आए हैं, आपको रूम थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग ही रहा होगा, पिछले रूम पे जहाँ अमोल और वो सब रहते थे मतलब, और ये मेरी प्लेस थी। अभी यहाँ पे कोई और क्योंकि हम और मेरा लैपटॉप लेके आया था, उसको कुछ तो काम था, वही हम रिटर्न लेने के लिए यहाँ पे आए। जयेश भी आए, लेकिन जयेश को हर वक्त कुछ ना कुछ काम रहता है, वो वही कर रहा है अपना अपना। ठीक है, लैपटॉप लेके निकलते हैं यहाँ से। अमोल को बाय बाय भी करना पड़ेगा, अमोल भी घर जा रहा है ऐसे, लेकिन सबके सब घर ही जाते हैं यार। हमें ऐसे जो कभी हुआ, देखो वहाँ फोटो निकालने लग जाता है ये तो, कभी का मतलब डोर का उस पर भी जाके फोटो निकालने लग गया। मतलब ये भी क्या, इतना फोटो लिख तो नहीं होना चाहिए यार, ये कुछ ज़्यादा ही है। पता है ये मैं फोटो अपनी मेमोरीज कैप्चर करके रखता है। किती दिवस हे पार्सलचं सील फोडायचे? किती दिवस? किती दिवस पार्सलचं सील फोडायचे? किती दिवस? कधी येईल आपला तो दिवस, त्या दिवशी आपण घरी होता का? नो, आय एम इंटरेस्टेड इन यू आर बॅक। घरी होता, चल मग सर
तुझा फोन करायचा ना घरी आल्यावर मग जेव्हा गेलो तेव्हा तिकडे आला होता जयजी काल का परवा माझी मम्मी म्हणे जयेश आला म्हणे आजची ओपनिंग दिसते कालची का काय गुलाब पाहिजे शिलाऊज मी शिलाऊज आखे घेऊ जाऊ काय जोपर्यंत लवज मी She loves me? She loves me. No. She loves me. काय काय रे आणखी का खायला पाय ना तिथं दिलंय ना झुडिओच्या समोर नाही का तो झुडिओच्या मोमोज आहे तिथं मोमोज आले मोमोज कुठले झुडिओच्या समोर रॉकेट मॉलच्या बाजूला ना ते मागाचे भेटतात पैसे वालेच पोरं घेऊन जायची तू जातस काय रॉक अँड रोल बाजूला पैसे वाले पोरं घेऊन कपल्सचं काम आहे आपलं काय जागाच नाही कपलला बसायला हा फक्त असे कपल राहतात त्यातही काढू त्या दुकानदाराने जागाच नाही दोन असे असं हे ठेवलंय लोक राहते त्या राहते का त्या पहिले ऑर्डर आले असेल बाप चाने या अंडे उबर आज तो कितना ही खाना खाए क्योंकि आज दिन भर इतना खाया इतना खाया इतना खुश है ना। फर्स्ट ऑफ जनवरी हर्षल आया था अचानक आ गया वो तो उसका कुछ तो काम था और जयेश आया था तो दिन भर बाहर ही था। आज लगभग कॉलेज को बंक गया कि ये जैसा ही और दिन भर इतना खाया है कि बोर हो गया कुछ तो यही खा के सोनेगा। अगर ज़्यादा कुछ खाया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और मैंने एक नोटिस किया है कि मेरी डाइट पे मेरा प्रॉपर ध्यान नहीं है और जब से जिम लगे हैं ना तब से कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं सिर्फ फैलता जा रहा हूँ मेंटेन नहीं हो रहा हूँ मसल पता है लेकिन फिर भी अनदेखे किए जाने वाली चीज़ें मेरे से हो रही है और उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा तो अलग ही हो रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तब तक के लिए ये अंडे उबलने देते हैं। चिली वो ऐसा रहा है कि दिन भर का जो इनटेक कैलोरी का मेरा जो प्रोसेस है जितनी कैलोरीज इनटेक करनी है उससे मैं कई ज़्यादा कर रहा हूँ। मतलब एक्सेस कैलोरीज इनटेक कर रहा हूँ और उसी की वजह से जो फैट है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो आज से मुझे मतलब कल से आज तो ठीक है आज दिन भर में एक्सेस से भी एक्सेस हो गई है वो बात अलग है लेकिन कल से वो प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा तभी जाके अच्छे रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि मसल ग्रो नहीं हो रहे मसल तो ग्रो हो रहे हैं लेकिन उसी के साथ साथ फैट पर फैट भी स्टोर हो रहा है तो उसका नतीजा थोड़ा सा अलग निकल के आ रहा है तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं पता सब कुछ है लेकिन जो रूटीन है मेरा उसी के वजह से ये सब झोल हो रहा है। मतलब रूटीन जो कॉलेज जाना होता है तो फिर सुबह और दोपहर का जो मील है उसके लिए टाइम नहीं मिलता। एक तो सुबह और डायरेक्ट शाम को दोपहर के मील का प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या हो जाता है सुबह थोड़ा सा ज़्यादा इंटेक हो जाता है खाने का और रात को फिर जिम करके आने के बाद तो फिर भूख पे काबू ही नहीं रहता तो उस बार भी वैसे ही हो जाता है। तो उस पे ध्यान देना ज़रूरी होगा कल से शायद मैं वो मेंटेन कर पाऊँ। ऐसी अपने आप को ये देता हूँ कि मेंटेन करना पड़ेगा। न्यू ईयर रिजोल्यूशन मतलब वो संकल्प ही मान के चलते हैं लेकिन करना पड़ेगा वो क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है ना कि किसी और के लिए। अगर मैं नहीं मेंटेन करूँगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर मेरा ही नुकसान है। तो उस पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो देना ही पड़ेगा और मैं दूंगा ये मैं अपने आप को कहता हूँ कि दे ध्यान दे उस पर और उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे यार। सुबह कल से कैलोरीज इनटेक करना मतलब कम से कम 2000 ही करने पड़ेंगे उससे ज़्यादा अगर गया तो फिर जो होना है वही होगा। सिर्फ मैं स्ट्रेंथ तो जिम में स्ट्रेंथ बढ़ती है लेकिन फिर जो रिजल्ट के लिए मैंने जिम लगाई है वो रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर वो ऐसा है ना मतलब नहीं बनता कुछ चीज़ का। अभी तो यही मेरा डेल्टा मसल डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से पिछले 4-5 दिन से आपको पता ही है कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ अपर बॉडी का क्योंकि अपर बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से ही होता है सब कुछ जो होता है वो और इसीलिए लोअर बॉडी वर्कआउट चालू है और थोड़ा थोड़ा इसका वार्म अप जो होते मसल इम्प्रूव करने के लिए मसल डैमेज इम्प्रूव करने के लिए वो सब चल रहा है। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। तो ठीक है अंडे खाते के बाद क्या होता है।
कल वैसे भी संडे है तो आज रात का प्लान बहुत ही हटके होगा। ये डॉन आए तब से सिर्फ मूवीज देखे जा रहा है और इससे क्या होता है ना, मेरा ध्यान भटक जाता है। मेरा ध्यान भटकना मतलब थोड़ा अवगड़ होता थी, मतलब मूवीज बगैला खूब अवड़ता मेरे को पसंद है तो वो उधर कबड्डी के मैचेस चल रहे तो वो देखो, जैसे जैसे आईपीएल में जल जोश होता है वैसे ही हो रहा है। आपको दिखाऊंगा, मैं जरूर दिखाऊंगा। कबड्डी एंजॉयिंग कबड्डी एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। ऐसे भी 2022 कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। 2022 में 2021 तो निकल गया, बस कब निकल गया पता भी नहीं चला, लेकिन अब 2022 को हमको अपने काम में लाना पड़ेगा। हमें उनके काम में नहीं आना है, हमको अपने काम में लाना पड़ेगा, तभी कुछ को तो जाके अलग होगा लाइफ में, वरना सबके साथ तो होता ही है जैसे हो रहा है वैसे मजा नहीं। तो अंडे डाले रेडी खाते, खाना हो गया यहाँ पे, अब तैयारी। एक बंदे से मिलाना रह गए, भेजाना के इसको शुरुआत करते हुए आज के नाइट सेशन की, और इसी के साथ साथ कुछ और मिलेगा। पिक्चर देखना है तो ऐसा खाली खाली कैसे देख सकते, आएगा कुछ तो आएगा, कोई तो आएगा कुछ तो लेके आएगा। कई सदियों पहले किसी आकाश का फाइनली इन विद द स्टार वॉर्स सीरीज, अब सोने जाएंगे। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हफ्ते में एक दो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँगा, ये मैं जरूर कहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि हफ्ते में एक या दो इन्फॉर्मेटिव वीडियो एटलीस्ट एक तो डालूंगा। तो एंजॉय माय व्लॉगिंग, क्या बोलूँ यार, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर अगेन, एंजॉय योर डेज, एंजॉय योर होल ईयर, लिव लॉन्ग, स्टे हैप्पी, दैट्स ऑल, गुड नाइट।